हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सिक्स क्लास इंग्लिश मीडियम आपके साइंस के क्लास में फिर से आपके सामने। लेसन थ्री आपका चल रहा है बेटा। इसमें आपका डिस्कशन, ये लेसन का नाम था अपना सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। कैसे सेपरेशन करते हैं हम सब्सटेंसेस का, उसके अंदर आपका था जो पढ़ रहे थे आप स्टेप मेथड्स ऑफ सेपरेशन। मेथड्स ऑफ सेपरेशन में आपको मेथड जानने थे। जैसे इसके अंदर मैंने आपको पहले ये भी बताया था कि मिक्सर क्या होता है, मिक्सर कितने तरीके के होते हैं, मिक्सर में आप कितने तरीके के मिक्सर को देखते हैं और उनको कैसे सेपरेशन देंगे। जैसे इसमें आपको पढ़ना है इस लेसन के अंदर आपको सॉलिड सॉलिड मिक्सर, यानी सॉलिड में अगर सॉलिड मिला हो तो कैसे सेपरेट करेंगे, सॉलिड में लिक्विड अगर मिक्स हो तो कैसे सेपरेट करेंगे, इसी तरह से अगर लिक्विड लिक्विड आपका मिक्स हो तो कैसे सेपरेट करेंगे। देन आपने सॉलिड सॉलिड मिक्सचर को सेपरेशन के लिए मैंने आपको कल ही लास्ट वीडियो, इसके पहले वाले वीडियो में आपको बता दिया था कि अगर दो जो है, दोनों ही आपके जो मिक्सचर में कंपोनेंट हैं दोनों ही सॉलिड स्टेट में हैं, देन ऐसी कंडीशन में दोनों सॉलिड्स को सेपरेशन करने के लिए आपको प्रोसेस जो लेना पड़ता है, उसमें स्टेप आपको जो लेना पड़ता है वो है फर्स्ट। कई मेथड्स तो कई हैं लेकिन जैसे आप किस तरीके से उनको अलग कर सकते हैं उसके भी स्टेप्स हैं, तो आप कोई भी स्टेप को फॉलो कर सकते हैं। जैसे हैंड पिकिंग एंड बाई थ्रेसिंग, बाई विनोइंग एंड बाई सीविंग, मैंने इन सब के बारे में आपको कल अच्छे से समझा दिया था लास्ट वीडियो में। एंड आज के आपके इस लेक्चर में मैं स्टार्ट कर रही हूँ बेटा सेकेंड पॉइंट, सॉलिड लिक्विड मिक्सचर। यानी कि सॉलिड लिक्विड मिक्सचर में आप कैसे सेपरेशन करोगे, यदि एक कंपोनेंट आपका सॉलिड हो और एक कंपोनेंट आपका लिक्विड हो। देन तो इसमें मैंने लाइन लिखी है, देखिए आपकी, इट डिपेंड्स ऑन द सॉलिबिलिटी ऑफ द कंपोनेंट। सॉलिबिलिटी ऑफ द कंपोनेंट यानी कि ये डिपेंड्स करता है कि कंपोनेंट्स की सॉलिबिलिटी पे, कि कंपोनेंट्स कितना सॉलिबल है, कितना वो सॉलिबल है और किस में। तो इसमें आपको यानी कि पूरी तरह से सॉलिड लिक्विड जो मिक्सचर है वो टोटली आपका डिपेंड करता है सॉलिबिलिटी, कंपोनेंट्स की सॉलिबिलिटी पे, कि उसकी सॉलिबिलिटी किस तरह से है। कोई जो है हो सकता है आपका इनसॉलिबल हो, कोई सॉलिबल हो, कोई सेमी सॉलिबल है, तो ये कैसे कैसे उनकी कंडीशंस होती हैं ये आपको जानना है। इसमें ये भी चीज़ आपको देखनी है कि कैसे हम, अगर सॉलिड लिक्विड मिक्सचर है तो हम उसको किस तरीके से अलग करते हैं, तो उसके पहले हमें ये भी तो जानना है कि कैसे सॉलिबिलिटी उसकी क्या, यानी सॉलिबिलिटी किसे कहते हैं, सोल्यूट किसे कहते हैं, सॉल्वेंट किसे कहते हैं। तो तीनों को डेफिनेशन मैंने दी है, आप नोट डाउन करिएगा अपने नोट्स के अंदर। जैसे फर्स्ट आपकी मैंने लिखी है यहाँ पर हेडिंग सॉलिबिलिटी। सॉलिबिलिटी क्या होती है इसमें देखिए, तो सॉलिबिलिटी के अंदर आपको देखना है द प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस बाय विच इट गेट्स डिजॉल्व इन ए गिवन लिक्विड इज कॉल्ड सॉलिबिलिटी। यानी द प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस, यानी कि ये एक तरीके की सब्सटेंस की प्रॉपर्टी है बाय विच, जिसके यानी इसी ये सॉलिबिलिटी में यानी प्रॉपर्टी है सब्सटेंस की बाय विच, इसके द्वारा इस गेट डिजॉल्व इन ए गिवन लिक्विड, यानी कि ये एक लिक्विड में कितना डिजॉल्व करता है वो सब्सटेंस की सॉलिबिलिटी बताता है। वो प्रॉपर्टी जो होती है सब्सटेंस की जिसके कारण वो किसी भी लिक्विड में डिजॉल्व करता है वो उसकी सॉलिबिलिटी कहलाती है। तो ये आपका याद रखना पड़ेगा। तो व्हाट इज़ सॉलिबिलिटी, मैंने सॉलिबिलिटी की आपकी डेफिनेशन लिख दी। उसके बाद आपका सेकंड डेफिनेशन है बेटा सॉल्वेंट। सॉल्वेंट जस्ट लाइक द लिक्विड विच डिजॉल्व्स द सब्सटेंस इज कॉल्ड द सॉल्वेंट। यानी ऐसा लिक्विड जिसके अंदर सब्सटेंस को डिजॉल्व करा जाता है इस कॉल्ड सॉल्वेंट। यानी कि जिस लिक्विड के अंदर सब्सटेंस को डिजॉल्व करते हैं उसे हम कहते हैं सॉल्वेंट। एंड सोल्यूट क्या है उसकी भी डेफिनेशन मैंने आपको लिख दी। तो इसकी सोल्यूट की डेफिनेशन है द सब्सटेंस विच इज डिजॉल्व इन द लिक्विड इज कॉल्ड सोल्यूट।
यानी ऐसा सब्सटेंस जो कि लिक्विड के अंदर डिजॉल्व किया जाता है उसे सोल्यूट कहते हैं। तो बेटा कुल मिला के आपका अगर जो है सॉलिड सॉलिड मिक्सचर होता है तो उसमें सेपरेशन आप कर सकते हैं आराम से, है ना। इसमें आपको ये देखना होता है कि हालांकि उसमें भी आपको प्रॉब्लम होती है, कई बार आपको किसी टूल्स की मदद करनी पड़ती है, लेनी पड़ती है, किसी मशीन की मदद लेनी पड़ती है। इसी तरह से सॉलिड लिक्विड मिक्सर है ना, तो इसके अंदर ऐसा कभी बाय द वे इसके अंदर भी ऐसा प्रोसेस लाना पड़ता है, लेकिन जनरली इसमें सिंपल मेथड भी यूज़ में आ सकता है। जैसे हमें ये पता है कि किस हिसाब से जो है सब्सटेंस की सॉलिबिलिटी है, अगर हमें क्लियर है तो, यानी जैसे हम ये जानते हैं कि अगर शुगर है तो वाटर में अच्छी तरह से डिसॉल्व हो जाएगा, लेकिन अगर चॉक पाउडर है या चॉक है तो वो डिसॉल्व होने में प्रॉब्लम करेगा। इसी तरह से अगर सैंड के पार्टिकल्स हैं तो वो डिसॉल्व होने में प्रॉब्लम करेंगे। तो इस तरीके से आप यानी इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि सॉलिड लिक्विड मिक्सर के अंदर या जो आपके यानी किस तरीके से सेपरेशन हो सकता है उसमें। आपका एक सिंपल मेथड मैं आपको नाम बताऊं, वो फिल्ट्रेशन जो आपका दिया हुआ है आपके उसके कोर्स के अंदर, फिल्ट्रेशन जस्ट लाइक फिल्ट्रेशन के अंदर आप ऐसे भी समझ सकते हो बेटा, जैसे एक तरीके से सॉलिड और लिक्विड का उदाहरण में आप ऐसे ले सकते हो, चाय की पत्ती, यानी आप चाय बना रहे हो तो उसमें चाय की पत्ती आपने डाली, अब चाय की पत्ती हो गई सॉलिड और पानी आपका लिक्विड, तो आप लिक्विड में सॉलिड, तो वही बात हो गई ना सॉलिड लिक्विड मिक्सचर। अब इस सॉलिड लिक्विड मिक्सचर में से आप दोनों को कंपोनेंट को अलग अलग करोगे तो आपका क्या होगा मेथड, आप यही करोगे ना कि हाँ भाई हम फिल्ट्रेशन प्रोसेस से, यानी कि अगर हम चलनी का उपयोग करें, यानी तो चलनी का उपयोग करोगे तो उसके अंदर चाय की पत्ती अलग छन जाएगी और बाकी जो बचेगी वो चाय होगी दूध मिला के। तो इस तरीके से फिल्ट्रेशन प्रोसेस वहाँ पे काम आ जाता है। तो जस्ट लाइक सॉलिड लिक्विड मिक्सचर के अंदर हमें ज़्यादा मशीन्स की या टूल्स की जहाँ तक है ज़रूरत उतनी कम पड़ती है। तो इसमें सॉलिड लिक्विड में वेपोराइजेशन मेथड भी कभी कभी यूज़ में आ जाता है, जैसे मैंने आपको समझाया था अगर नमक मिला हो पानी में और आप चाहते हो कि नमक आपको अलग से मिल जाए तो उसके लिए वही बात है कि वेपोराइजेशन प्लस कंडेंसेशन करना पड़ता है। वेपोराइजेशन प्लस कंडेंसेशन वो अगर आप करोगे तो उसके अंदर आपको वापस सॉल्ट मिल जाएगा, ठीक है, पार्टिकल्स के फॉर्म में। तो ये सारी चीज़ें आपको जाननी पड़ती है। सेडिमेंटेशन भी प्रोसेस होता है, तो सेडिमेंटेशन प्रोसेस भी फिल्ट्रेशन के साथ ऐड कर सकते हैं आप। तो सॉलिड लिक्विड मिक्सचर अगर है देन आप वहाँ पर जो मेथड यूज़ करते हैं वो एक सिंपल मेथड में तो फिल्ट्रेशन एंड जस्ट एक रियली मेथड में आप सेडिमेंटेशन की बात करें, जैसे वहाँ पर ये है कि पार्टिकल्स थोड़े साइज में बड़े हों तब आप सेडिमेंटेशन की बात कर सकते हैं, और जैसे उनके अंदर और भी थोड़ा सा डेंसिटी ज़्यादा हो या उनकी ऐसे भी मान सकते हो। तो इस तरीके की जब भी कोई पार्टिकल्स की बात करोगी तो सेडिमेंटेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिल्ट्रेशन जस्ट लाइक कॉमन प्रोसेस एंड बाय फिल्ट्रेशन बहुत सारे सॉलिड लिक्विड मिक्सचर को हम सेपरेशन देते भी हैं, हम अपने यानी एक डेली वर्क में भी दे सकते हैं, डेली होमवर्क के अंदर, होमवर्क मतलब आपका किचन वर्क जो आपकी मम्मी करती हैं उसमें, यानी ये काम आपका सॉलिड लिक्विड वाला वहाँ पे भी होता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी बनाते हैं बेटा जिसको बिना आपके छाने नहीं दे सकते, तो उसमें वैसे भी फिल्ट्रेशन जस्ट लाइक कीप द्वारा अगर कर रहे हैं या चलनी द्वारा कर रहे हैं तो वो फिल्ट्रेशन ही प्रोसेस है, क्योंकि उसमें सॉलिड पार्ट अलग हो जाएगा, जो रिमेनिंग पार्ट बचेगा वो लिक्विड होगा, तो जो आपका बचेगा वो आपका सॉलिड हो गया, जो आपका यानी जो चलनी में आ गया वो आपका सॉलिड हो गया, बाकी रिमेनिंग पार्ट कंटेनर में रह गया। तो इस तरह से आप सॉलिड लिक्विड मिक्सचर को सेपरेशन दे सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करें आपकी नेक्स्ट यानी आगे कि फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन में, मैं आपको उदाहरण दूं, जैसे आप किसी भी यानी आप कोई भी बीकर ले लो, ग्लास ले लो या बीकर ले लो, उसमें आपने कुछ सैंड पार्टिकल्स डाले, सैंड पार्टिकल्स डाले या आप ऐसे कह लो सैंड कुछ अमाउंट में आपने की सॉइल डाल दिया या सैंड डाल दिया, सैंड पार्टिकल्स ले लिया, चलो उसमें पानी थोड़ा सा मिलाया, तो डिसॉल्वेशन होने का तो प्रोसेस ही नहीं, वो तो डिसॉल्व होने वाला नहीं, तो जस्ट आप कहोगे कि ये इनसॉल्युबल है, ये
जो आपका सब्सटेंस है वो इनसॉल्युबल है, टोटली इनसॉल्युबल है इन वाटर में. तो यानी यहाँ पर आपकी सॉल्युबिलिटी वाली बात जो आएगी ना वो टोटली निल है, क्योंकि सॉल्युबिलिटी तो आपकी वहाँ पर आ सकती है ना जहाँ पर डिसॉल्वेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो. यानी सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है जो अच्छे से आपस में डिसॉल्व हो जाए. अब ये लिक्विड लिक्विड तो है नहीं, सॉलिड लिक्विड है. तो एक तरीके से आप चीनी और शुगर और वाटर का तो तब भी ले सकते हो इसमें, क्योंकि शुगर और वाटर का तो डिसॉल्वेशन ऐसा है कि अगर आप थोड़ी देर के लिए रख दो तो वो डिसॉल्व, दोनों एक दूसरे में डिसॉल्व हुए दिखते हैं. तो उसमें तो ऐसी चांसेस नहीं है कि हमें नहीं दिखेंगे. तो ये सारी चीज़ें आपकी मायने रखती हैं बेटा. तो इस तरीके से आपने ये देखा कि जैसे अगर हमें सॉल्युबिलिटी को यानी कि प्रेजेंट करना है, देन हमें ये भी देखना पड़ेगा कि हमारे दोनों कंपोनेंट्स किस कैटेगरीज में आते हैं, किस तरह के फॉर्म्स में हैं. जैसे मैंने आपको बताया कि शुगर की सॉल्युबिलिटी बहुत अच्छी है, तो शुगर की सॉल्युबिलिटी अच्छी है तो दैट्स अ डिसॉल्वेशन प्रोसेस भी उसका अच्छा है. तो वहाँ पे तो आप सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को डिसाइड करके और आप इस मेथड का यूज़ कर सकते हैं. हल्का सा आप अगर इसको वेपराइजेशन प्रोसेस के अंदर रखेंगे तो ही सेपरेशन होने का है. एंड लास्ट वही बात है कि कंडेंसेशन करा देंगे तो आपका शुगर भी अलग हो सकता है. जस्ट लाइक वेपराइजेशन करा देंगे तो सेपरेशन आपका शुरू हो जाएगा अलग अलग होना. और शुगर को अगर ऑब्टेन करना चाहते हैं देन कंडेंसेशन करा देंगे. तो इस तरीके से आपका हो सकता है. तो कहने का मतलब है बेटा, सॉल्युबिलिटी आपकी तभी सक्सेस है जब आपके सॉलिड की सॉल्युबिलिटी अच्छी हो लिक्विड के अंदर. तो डेट्स सॉल्युबिलिटी होती क्या है, मैं एक बार फिर से आपको समझाऊं क्योंकि मैं इरेज करूंगी इसको. तो एक बार फिर से देख ले कि आज आपने इस वीडियो के अंदर जो पढ़ा, आज आपने इस क्लास के अंदर जो पढ़ा वो देखिए, मैथड्स ऑफ सेपरेशन आप पढ़ रहे हैं. मैथड्स ऑफ सेपरेशन में आपने इसके पहले सॉलिड सॉलिड मिक्सचर को सेपरेट किया था बाय विनोइंग, बाय सीविंग, बाय आपका वो था हैंड पिकिंग, बाय थ्रेसिंग. एंड आज आपका सॉलिड लिक्विड मिक्सचर के अंदर आप बता रहे हो, सॉल्युबिलिटी को डिसाइड कर रहे हो, क्योंकि ये टोटली डिपेंड, दिस मेथड इज टोटली डिपेंड, यानी सॉलिड लिक्विड मिक्सचर का जो सेपरेशन होता है इज टोटली डिपेंड ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ द कंपोनेंट. यानी कि ये सॉलिड लिक्विड मिक्सचर का अगर सेपरेशन कराएं तो इज टोटली डिपेंड ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ कंपोनेंट्स. तो इस तरीके से आप इसमें डिसाइड कर सकते हैं. सॉल्युबिलिटी की एक बार डेफिनेशन देख लीजिए फिर मैं इरेज करूँगी. द प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस, द प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस बाई विच इट गेट्स डिजॉल्व इन ए गिवन लिक्विड इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी. तो इसका मतलब है कि सॉल्युबिलिटी आपकी क्या कहलाती है, द प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस, इसमें यानी द प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस बाई विच इट गेट्स डिजॉल्व इन ए गिवन लिक्विड इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी. यानी ये प्रॉपर्टी जो सब्सटेंस की प्रॉपर्टी होती है वो विच इट इज गेट डिजॉल्व इन ए गिवन लिक्विड इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी. यानी एक तरीके से सब्सटेंस की प्रॉपर्टी होती है जो डिजॉल्व की जाती, यानी कि ये प्रॉपर्टी जो होती है सब्सटेंस की वो ये इंडिकेट करती है कि कोई भी सॉलिड कितना डिजॉल्व हुआ है लिक्विड के अंदर. तो ये आपकी सॉल्युबिलिटी है. एंड देन सॉल्वेंट की बात करें तो आपका देखिए क्या है, द लिक्विड विच डिजॉल्व, द लिक्विड विच डिजॉल्व द सब्सटेंस इज कॉल्ड सॉल्वेंट. यानी ऐसा लिक्विड जिसके अंदर सब्सटेंस को डिजॉल्व किया जाता है इज कॉल्ड सॉल्वेंट. तो इस तरीके से आप सॉल्वेंट को बता सकते हैं. एंड देन सल्यूट, सल्यूट में देखिए क्या बताएंगे, द सब्सटेंस विच इज डिजॉल्व इन द लिक्विड. यानी बेटा आपका लिक्विड वो जिसमें कि कोई भी सब्सटेंस को डिजॉल्व कराएं वो तो सॉल्वेंट, और जिसको डिजॉल्व कराएं वो सल्यूट. तो राइट, ये आपका पूरा टोटल आपका सारी बातें हो गई सॉलिड लिक्विड के रिलेटेड. तो इसको मैं इरेज करके एक आपका थोड़ा सा मैटर और क्लियर करती हूँ. जैसे मैं इसमें अगर आपको एक चीज़ बताऊँ कि आपने जैसे क्लियर किया था मिक्सचर के बारे में,
तो जस्ट इसमें बेटा एक चीज़ आपने देखी कि सब कुछ सॉलिबिलिटी पे डिपेंड करता है। तो हम एक चीज़ हम मान के चलते हैं कि सलूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सोल्यूशन, ये आप हमेशा याद रखना, ये आप हमेशा याद रखना कि सलूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सोल्यूशन। तो इस तरीके से आपने देखा कि जो है सलूट प्लस सॉल्वेंट के अंदर दोनों ऐड करके सॉल्व यानी आप सॉल्यूशंस को डिफाइन करते हैं। तो इस तरीके से एक रिलेशन बनता है आपस में कि सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सोल्यूशन। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि क्या फॉर्मूला है अपना। तो अगर वाटर अगर आपका है एग्जांपल वाटर शुगर सोल्यूशन, तो इसके अंदर आपका वाटर तो आपका हो गया सॉल्वेंट एंड शुगर आपका हो गया सोल्यूट। तो यानी वाटर सॉल्वेंट और शुगर सोल्यूट, क्योंकि आप शुगर को वाटर में डिजॉल्व करते हैं ना कि वाटर को शुगर में, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि सोल्यूट और सॉल्वेंट क्या है, दोनों के डिफरेंसेस क्या हैं। तो इस तरीके से आपका ये मैटर क्लियर हो जाएगा। और इसमें मैंने आपको बताया बेटा अगर इनसॉल्युबल हो सॉलिड जो है, यानी कि अगर आपका सॉलिड इनसॉल्युबल हो देन यहाँ पर ऐसे लिख सकते हो कि फिल्ट्रेशन प्रोसेस आप यूज़ करते हैं। तो आपका अगर जो है यानी कि ये सॉलिड जो है इनसॉल्युबल हो, मैंने अभी आपको समझाया कि अगर आपका सॉलिड ऐसा हो कि वो जल्दी से डिसॉल्व नहीं होता हो, तो जस्ट वो आपका एक तरीके से वहाँ पर मेथड आपका फिल्ट्रेशन वाला आएगा, वही जो मैंने आपको बताया कि चाय की पत्ती वाला, उसमें आप फिल्ट्रेशन या कोई भी ऐसा आप सोल्यूशन लीजिए जिसमें कि अच्छी तरह से पार्टिकल्स डिसॉल्व हो जाए, तो वहाँ पे आप चलनी या वो रख के कीप रख के आप फिल्ट्रेशन वाला प्रोसेस अपना कंप्लीट करा सकते हैं। और सेडिमेंटेशन भी मैंने आपको बता दिया कि अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा साइज़ में बड़े हैं पार्टिकल्स एंड डेंसिटी बहुत हाई है, या ऐसे भी कह सकते हैं कि मैक्सिमम अमाउंट में आपका सॉलिड है, देन ऐसी कंडीशन के अंदर आप वाटर को डालते हैं तो कुछ समय के बाद अपने आप सेपरेशन लेयर दिखती है, दैट्स प्रोसेस नेम इज सेडिमेंटेशन। कल इसके बारे में हम और थोड़ा सा डिटेल पढ़ लेंगे, या इसका मैं आपको यहाँ पर नोट्स दे दूँगी कि फिल्ट्रेशन की डेफिनेशन आप क्या लिखेंगे एंड दैट्स सेडिमेंटेशन को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो दोनों का प्रोसेस एक बार मैं रिटर्न वाइज बता दूँगी, जैसे आज मैंने आपको सॉल्यूट सॉल्वेंट एंड स्टेबिलिटी ऑफ द मिक्सचर ये सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दी एंड देन रिलेशन समझा दिया कि सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सोल्यूशन, एंड देन आपको मैंने ये भी बता दिया कि कैसे आप मैचिंग करोगे, अगर यहाँ पर वाटर सॉल्ट सोल्यूशन होता देन वाटर तब भी सॉल्वेंट होता और सॉल्ट आपका तब सोल्यूट होता। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये आप क्लियर कर दिए, यानी कि ये स्टेप बाय स्टेप आप इसमें समझते जाओगे, जैसे जैसे एग्जांपल आएंगे आप खुद ही क्लियर करते जाओगे। तो बेटा मैं आपको पहले भी बोल चुकी कि होमवर्क कॉपी में आप जो यहाँ पर आपका पढ़ाया जाए उसको आप थोड़ा सा अपनी लैंग्वेज के साथ मिक्स करो, क्योंकि आप एज इट इज़ बोर्ड का उतार के देते हो, थोड़ी सी अपनी जो बताई है मैंने जो समझाई है मैंने, क्योंकि जितनी मोस्टली इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो तो मैं तुम्हें दे ही रही हूँ, वो तो तुम नोट्स में लिख ही रहे हो, लेकिन कुछ अपनी भी एक दो लाइनें जो मैं समझाती हूँ उदाहरण में एग्जांपल्स जो देती हूँ, एग्जांपल्स तो थोड़े से कंसीडर करके एक दो लाइनें अपनी भी ऐड करो, वो आप हर दिन आप एज डब्ल्यू मेंशन करो और मुझे दो, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखना कि किस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ उसी तरीके से आपको काम करना है। देन बेटा अब इसके आगे आपका नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट पॉइंट के साथ फिर से मैं आपके सामने होंगी, आज आपके इतने ही क्लास में, ठीक है, ओके बाय।